नमस्कार दोस्तों, गेट 6247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। अब आपको पता है कि आपके एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में, यानी कि जो पहले एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसकी कट ऑफ यहाँ पे देखने वाले हैं। काफ़ी दोस्तों का यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया था कि सर पहले की जो कट ऑफ गई थी वो हमें एक बार डिटेल में बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी कट ऑफ बताने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगा, साथ में कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की कहाँ कितनी कट ऑफ गई थी, ये पूरा एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ। जो ओरिजिनल कट ऑफ थी वही आपको बताने वाला हूँ। कौन सी? रिटन एग्जाम की। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, रिटन एग्जाम की मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। 75 मार्क्स में से जो आपके कट ऑफ गई थी वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में सेफ स्कोर भी देखेंगे इस बार का। देखिए, इस बार की कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, पेपर होने से पहले कट ऑफ किसी को पता चलती नहीं है, लेकिन हम एक टारगेट लेके जरूर चल सकते हैं कि इतना कम से कम आपको टारगेट रखना ज़रूरी है कि उस टारगेट को आप अचीव कर लो, तो आप कम से कम एक सेफ जोन में रह सकते हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम देखने वाले हैं कट ऑफ, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस बार के सेफ स्कोर के बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो हालांकि कम गई थी काफ़ी जगह, क्यों गई थी उसका रीज़न ये था कि पिछली बार हर एक पार्ट में आपको जैसे भाग ब स द जितने भी हैं उनमें हर एक में अलग से पास होना था। तो पिछली बार क्या हुआ था कि भाग बी यानी कि जो पार्ट बी है जिसमें आपके साइंस है, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, वो हार्ड आ गया था तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाए थे। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा भी थे लेकिन फिर भी वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाए थे क्योंकि वो एक पार्ट में फेल हो गए थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके अदर पार्ट्स में कम आए थे लेकिन वो बी पार्ट में पास हो गए थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था कम मार्क्स पे भी। तो ये रीज़न रहा था एक तो। और एक रीज़न इस बार की कट ऑफ ज़्यादा रहने का क्या है, ज़्यादा मेरा मतलब ये है कि पिछली बार से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही, पिछली बार से ज़्यादा रहने का एक रीज़न ये भी है, इस बार वैकेंसी आपकी कम है और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया वो ज़्यादा है पिछली बार से। तो दो मेन रीज़न है पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा रहने के इस बार, क्योंकि इस बार क्या है आपके हर एक पार्ट में आपको पास नहीं होना है। ओवरऑल चारों पार्ट मिला के आपके पासिंग मार्क्स कुछ रखे गए हैं, 40% रखे गए हैं जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 36% रखे गए हैं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और बेसिकली जो कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है वो पेपर पे डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आता है, मेनली कट ऑफ वहीं पे डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो दोस्तों, ये है आपके पिछली वैकेंसी की कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम की, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और साथ में कैटेगरी वाइज। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये कांस्टेबल जनरल की है, उसके बाद हम ड्राइवर की भी देखेंगे, सभी लाइन वाइज देखने वाले हैं। कमिश्नरेट जयपुर के अंदर आप देख लीजिए, फीमेल, मेल और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तीनों कैटेगरीज लाइन वाइज आपको दे रखी है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ जयपुर कमिश्नरेट के अंदर जनरल की, तो मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल की कितनी है, 30.50। उसके बाद आप इसके अंदर मेल की देख सकते हो 49.12, और इसी के अंदर एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हो 29.12। वहीं ओबीसी की देखें तो फीमेल की देख सकते हो 35.62, उसी के बाद मेल की 48.50 और एक्स सर्विसमैन की 29.12। एमबीसी की आप यहाँ पे देख सकते हो मेल की कितनी है 47.87 और एक्स सर्विसमैन की है 31.87। उसी हिसाब से एस सी एस टी की भी आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, जयपुर कमिश्नरेट के अंदर 29.12 है फीमेल की, मेल की है 42.15 और एक्स सर्विसमैन की है 31.37। एस टी की आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल की है 32.25 और मेल की कितनी है 44.37 और साथ में एक्स सर्विसमैन की 38.75। तो ये बात हो गई जयपुर की। उसके बाद जोधपुर कमिश्नरेट की, उसी हिसाब से आप लाइन वाइज यहाँ पे देख सकते हो, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये लाइन से आप क्या आती जाएगी। मैं कुछ कुछ आपको यहाँ पे कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है, सारी पढ़ने बैठूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, उतना हमें लेंदी नहीं करना है। मेन आपको बता देता हूँ, जैसे जोधपुर की अगर बात करूँ जनरल फीमेल की, मैं आपको जनरल की बता देता हूँ, आप एस सी एस टी और ओ बी सी की सामने देख लीजिए, है ना, आपके सामने दे रखी है। और ये जो पी डी एफ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड दे दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा ये वाली जो पी डी एफ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल, फेसबुक और इंस्टाग्राम आई डी, सभी के जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें फॉलो कर लीजिए।
जोधपुर कमिश्नरेट की बात करूं तो जनरल के अंदर फीमेल की गई थी कितनी 31.75, मेल की गई थी 35.37 और एक्स सर्विसमैन की गई थी 31.62। अजमेर की बात करें तो फीमेल की गई थी 39.37, मेल की गई थी 52.62। यहाँ पे देखिए ज़्यादा है मेल की 52.62 है, एक्स सर्विसमैन की 30.87। और अलवर की बात करें तो फीमेल की कितनी गई थी जनरल के अंदर 32.25 और यहीं पे मेल की कितनी गई थी 48.12। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा के अंदर सिर्फ मेल की है 30.75, जनरल की बात करें। 12 के अंदर बात करें तो फीमेल की 31.75 और उसके अलावा मेल की 48.25। ये मैं आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। ओबीसी की, एससी और एसटी ये आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। 12 की मैंने आपको बता दी 31.75 हो गई आपकी फीमेल की, मेल की हो गई 48.25। बाड़मेर की फीमेल की देख लीजिए 31.25 और 31.62 है कहाँ की, मेल की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में बाड़मेर के अंदर। भरतपुर की बात करें तो देखिए 32.87 है। देखिए आपको ज़्यादा कट ऑफ नहीं दिख रही होगी, हर जगह आपको लिमिटेड कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। इसका रीज़न यही था जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बी पार्ट था वो ज़्यादा हार्ड आया था पिछली बार, और उसी के चलते जिनके ज़्यादा नंबर बन भी रहे थे तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो बी पार्ट में कट ऑफ पार नहीं कर पाए थे, यानी कि बी पार्ट में फेल हो गए थे। चाहे उनके मार्क्स 50 प्लस हो या 60 प्लस हो, कितने भी हो, अगर एक पार्ट में भी पिछली बार फेल हुए थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कट ऑफ आपकी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार कंबाइंड पास होना है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट स्कोर कर ही लेगा। भरतपुर की अगर बात करें तो 32.87 है फीमेल की और मेल की है 35.62। इसी हिसाब से आप आगे देख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, मैं आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम कट ऑफ भी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे गई थी पिछली बार। सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे देखिए 53.37, ये मेल की यहाँ पे सबसे ज़्यादा गई थी, यहाँ पे फीमेल की 36.50 और एक सर्विसमैन की 34.3। इसके बाद सेकेंड नंबर पर अजमेर था, ठीक है। अजमेर हमने ऊपर यहाँ पर देख लिया, जहाँ की मेल की देख लीजिए 52.62 थी। उसके बाद नंबर आता था कोटा का, कोटा की हम आगे देखने वाले हैं। कोटा के बाद झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ की भी ज़्यादा थी तो वो भी आगे देख लेंगे। आयुक्तालय जयपुर यहाँ पे भी ज़्यादा गई थी, यानी कि कमिश्नरेट जयपुर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 49.12 थी, यानी कि आप देख सकते हो 75 में से 53 पिछली बार हाईएस्ट थी। तो आपसे सोच सकते हो कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी पिछली बार, जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल मेल की। और 12 और अलवर की भी ज़्यादा गई थी, अलवर की भी देख लीजिए 48.12 और 12 की आप यहां पे देख सकते हो 48.25। उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, देखिए चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ टीएसपी एरिया की आ गई, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, डिस्ट्रिक्ट जयपुर रूरल, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखना हो, ठीक है। जैसलमेर हो गया, जालौर हो गया, झालावाड़ हो गया, झालावाड़ की जैसे मैंने आपको बताया था झालावाड़ की पिछली बार ज़्यादा थी, तो झालावाड़ हम यहाँ पे देखते हैं कितनी है, देखिए 50.75 है मेल की, तो ये ज़्यादा थी पिछली बार यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कोटा सिटी की, कोटा की भी ज़्यादा थी जैसा मैंने आपको बताया, कोटा की आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी है 51.12 मेल की, जनरल मेल कैटेगरी की, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको सबसे ज़्यादा की बता दी। सबसे कम की अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सभी यहाँ पे कम थी। देखिए आगे देखते जाइए, ये आपकी पूरी आ जाएगी आपके सामने लिस्ट, ठीक है। उसके अलावा 8th RAC की, 11th RAC की, 12th RAC की, 2nd RAC की और 9th RAC की, इनके भी यहाँ पे कम गई थी। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 8th RAC ये रही, सिर्फ मात्र आपकी 31 गई है यहाँ पे, यहाँ की जो कट ऑफ देख लीजिए आप, सिर्फ 31 है। सबसे लोवेस्ट बीकानेर की गई थी 30.87, जो आपको ऊपर PDF में देखने को मिली गई होगी। उसके अलावा 11th RAC बटालियन, इसकी भी कम गई थी 31.75, और 12th RAC दिल्ली, इन सभी की भी कम गई थी। तो आप ये देख सकते हो पूरी की पूरी आपके सामने कट ऑफ है ये रही, ठीक है। ये तो बात होगी जनरल की, अब हम बात करेंगे ड्राइवर की, कांस्टेबल ड्राइवर की। तो कांस्टेबल ड्राइवर उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कट ऑफ देखनी है, कमिश्नरेट जयपुर, जोधपुर, अजमेर, यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हो
48 गई थी हाई जयपुर की, आप देख सकते हो 48.12 मेल की और 41 फीमेल की। जोधपुर के अंदर मेल की 33.25, वहीं अजमेर के अंदर मेल की 49, अच्छी खासी थी कट ऑफ पिछली बार। ज़्यादा और कहाँ गई थी, चूरू के अंदर देख लीजिए 46 थी। मैं ये आपको जनरल की बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, इस हिसाब से चलते हैं। और कहीं अगर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। और हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 47 नागौर की, 47.62, ये आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ तो यही पिछली बार कट ऑफ थी, 55 से कम ही गई थी, ठीक है। 53 मैंने आपको हाईएस्ट बताया, 53.37 वो आपकी कट ऑफ हाईएस्ट गई थी, ये देख सकते हो ये गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेबल माउंटेड की, तो ये सारी जो कट ऑफ है वो आपको कांस्टेबल माउंटेड और यहाँ पे नीचे है ऑपरेटर, ये भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो कितनी कहाँ पे कितनी गई थी। और कट ऑफ डिटेल में पूरी मैंने आपको बता दी, और एक एक चीज़ अगर देखिए यहाँ पे पढ़ने बैठता तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता। मैंने आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट बता दिए, किस ज़िले में हाईएस्ट गई थी और किस ज़िले में लोवेस्ट गई थी, उस हिसाब से आप अपने आसपास का देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। और फिर से बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लेना और आराम से बैठ के इस पीडीएफ को एक बार चेक करना कि कहाँ कितने कट ऑफ गई थी, क्या रेशियो रहता है, ठीक है, मेल फीमेल का या फिर कैटेगरी वाइज का, जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का। और इस बारे में आपको बता दूँ, ईडब्ल्यूएस का अलग से पैटर्न यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जनरल से थोड़ी कम ही जाएगी, और ओबीसी के आसपास आपकी कट ऑफ इसकी ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। कुछ तो फ़ायदा आपको मिलेगा जनरल से, जनरल से हालांकि कम जाएगी, ज़्यादा कम भी नहीं होगी, और ओबीसी के आसपास आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो काफ़ी दोस्त हमारे पूछ सकते हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं, तो पिछली बार नहीं थी, इस बार आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो इस बार आपकी इसकी भी कट ऑफ यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी। और काफ़ी दोस्त हमारे पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिलेगा, कट ऑफ में आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे जनरल से कट ऑफ कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपने कट ऑफ देख ली है, अब मैं आपको बता देता हूँ इस बार के सेफ स्कोर के बारे में, कि आपको कम से कम कितना टारगेट इस बार लेके चलना चाहिए। लास्ट के अब 2 महीने आपके पास बचे हैं, तैयारी उस हिसाब से करना कि ये टारगेट कम से कम आप अचीव कर सको। तो देखिए मैं ओवरऑल बता देता हूँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एक ही कैटेगरी के, इन तीनों कैटेगरी के लिए एक आपका सेफ स्कोर बता रहा हूँ 55+, इतना टारगेट आपको लेके चलना है अपना खुद का, ठीक है, कि कम से कम 55+ मैं अचीव कर लूँ। तो चाहे कितनी भी कट ऑफ चली जाए, फिर 50 चली जाए, 30 चली जाए, 45 चली जाए, कितनी भी चली जाए, मैं कम से कम उस सेफ जोन में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है, तीन कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता दी, किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 55+ टारगेट आपको लेके चलना है 55+ का। अदर कैटेगरी एससी एसटी के लिए मैं आपको बता दूं 45+ कम से कम, ये जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम मत लेके चलना, मैक्सिमम आपको ज़्यादा ही लेके चलना है, ये कम से कम आपको टारगेट इतना लेके चलना है कि कम से कम मुझे इतना टारगेट एग्ज़ाम में अचीव करना ही करना है। ऊपर जितने भी मेरे मार्क्स आते हैं वो एज आप समझ लीजिए आपके लिए एज अ बोनस होंगे, ठीक है, ये आप समझ के एक बार चलिए कि कम से कम इतना टारगेट मुझे लेके चलना है, इससे ऊपर आते हैं तो और अच्छी बात है, इससे मुझे नीचे नहीं लेके आने हैं, ये आप लेके चलिए। किसका बता रहा हूँ, रिटर्न एग्ज़ाम का, फिर से सुन लीजिएगा, ओवरऑल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ या फाइनल सेफ स्कोर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी इस वीडियो हमने बात की है वो सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम की बात की है, जो कि आपका 75 मार्क्स का होने वाला है, एमसीक्यू टाइप का जो आपका पेपर होगा उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेफ स्कोर आपको मैंने बता दिया 55+, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी 45+ मिनिमम है दोनों के लिए जो बताया, इससे ऊपर ही लेके चलना है आपको और ये टारगेट आपको अचीव करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और हर जगह फॉलो कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम पे डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखना, आपके एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो हमारे फेसबुक डिटेल्स है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।